गृहस्थ आदि के वंश का वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, गृहस्थ के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनुमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित यो देवी ढुष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्ण कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो और पुत्र सुने जाते हैं, वृष्ण तथा अंधक। वृष्ण के भी दो पुत्र थे, शोफलक और चित्रक। शोफलक बड़े धर्मात्मा थे, वे जहां रहते वहां रोग का भय नहीं होता तथा वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तब उन्होंने श्वफल को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्वफल के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज की एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह श्वफल को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमदुग, मदुग, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, अतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र यो वरंगाना नामक सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथ, विपृथ, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेम, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं सर्विष्ठा और श्रवणा नामक दो कन्याएं हुई। देवमी ढुष ने असिकनी नामक पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से ही रानी भोजिया के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभिया बजी थी और मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्ट, कनवक, वत्सवान, गृंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के पास सुंदर कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पृथ्वीकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतशवा तथा राजाधिदेवी। ये पांचों वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्ण के छोटे पुत्र अनुमित्र से शिन का जन्म हुआ। शिन के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेश्र, सुदेश्र तथा सर्वलक्षण संपन्न, पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रोकमणे, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कनवक के 2 पुत्र हुए, तंत्रीज और तंत्रिपाल। गृंजम के भी 2 पुत्र थे, वीरू तथा अश्वहन। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए, उन्होंने राजसु यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्ट वंश की अनेक शाखाएं हैं, जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्त नहीं होती। वसुदेव जी की 14 सुंदर पत्नियां थी। पूर्व वंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा देवकी। यह 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतन तथा बड़वा ये दोनों दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो पाहलिक की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशीनर नामक पुत्र तथा चित्रा नामक कन्या हुई। इसी प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषट उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी के परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्ठ के एक और पुत्र महायशस्वी ब्रिजवान हुए।
उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उस दुग हुए जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा देने वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस दुग के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथ के शशबिंद, शशबिंद के पृथ्वीश्रवा, पृथ्वीश्रवा के अंतर, अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शिनेव, शिनेव के मरुत, मरुत के कम्बलर्भिष, कम्बलर्भिष के रुक्मकवच, रुक्मकवच के परजीत तथा परजीत के पांच पुत्र हुए, रुक्मेश, पृथ्वरुक्म, ज्यामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेश पृथ्वरुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामघ को घर से निकाल दिया, तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया, तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृतकावती तथा ऋक्ष्वान पर्वत को जीतकर शुक्तमती नगरी में निवास किया। यहां से लेना, अपनी शैबिया थी जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठ देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डर कर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधु है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधु हुई? यह सुनकर ज्यामघ ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैबिया ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र का उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के अवंत, दर्शाह तथा विषहर नामक तीन पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शाह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृत, विकृत के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करंभ तथा करंभ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवशत्र, देवशत्र से महायशस्वी वृद्धशत्र हुए। वे देवकुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नियां वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकुवंशी कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए जो सात्वत कुल की जो सत्वान से सत्वगुण संपन्न कौशल्या ने भजमान, देवावृत, अंधक तथा वृष नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके चार कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के दो स्त्रियां थी, एक का नाम था बाह्यक श्रृंजयी और दूसरी का नाम था उप बाह्यक श्रृंजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, क्रिम, क्रमर, धृष्ट, शूर तथा पुरंजय। ये भजमान के बाह्यक श्रृंजयी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उप बाह्यक श्रृंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे प्रणाशा के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवावृत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर प्रणाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर प्रणाशा ने परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने भी उसमें तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात दसवें महीने में प्रणाशा ने देवावृत के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्र को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृत के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा गान करते हैं, हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्र सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के तुल्य है। बभ्र और देवावृत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्र का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण, भक्त तथा सदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश की कन्या ने चार पुत्र प्राप्त किए, कुकुर,
भजमान, शशक और बलरभिष, कुकुर के पुत्र वृष्ट, वृष्ट के कपोतरोमा, कपोतरोमा के तित्तिर और उसके पुनर्वस, पुनर्वस के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नामक दो जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है, आहुक किशोरावस्था के समान आकृत वाले थे, वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे, उत्तर दिशा में उनकी उतनी संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वासियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देवयान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार है, देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, विक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था, उससे छोटे नेग्रोथ, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सूतन, अनावृष्ट तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थीं, कंसा, कंसवती, सूतन, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहां तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, दत्त, अतिदत्त, शोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजीत। इन सब की 2 बहनें थी जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयं भोज से हृदिक। हृदिक के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ, शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है, देवांत, नरांत, भीषक, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कम्बलर्भिष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा तथा तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुंदष्ट, सुचार और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्ट के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निघ्न हुए। निघ्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजीत। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजीत के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजीत रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेज मंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजीत ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभो, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणि रत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यो कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्मंतक मणि प्रदान कर दी। सत्राजीत ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यो कहते हुए दौड़ने लगे, देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न कर देती थी। वह जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता था। किसी को कोई भय नहीं सताता था, किसी को कोई रोग नहीं सताता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामवान वहां से आ निकले। वह सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्ण और अंधक वंश के लोग संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था
तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में चले गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरवर ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी ही दूर पर वृक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। वृक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो, सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवान के हाथों से मारा गया। अब यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाह्य युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ में द्वारका गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजीत के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्होंने 100 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजीत के 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को स्यमंतक मणि दी। उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्राजीत को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनीष्वनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणाव्रत नगरी में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूते बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे। अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभो प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजीत को शतधन्वा ने, अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहो, अब स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब ओर अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाप की घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो आप यही खड़े रहे, मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न स्यमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास स्यमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणि श्रेष्ठ स्यमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यों कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी।
भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे।